जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, डेट इज अबाउट क्लास एंटीरो न्यूस्टा। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स, दैट इट इज कॉमनली नोन एज अकॉर्नवर्म्स और टंग वर्म्स। दे आर ऑल मेरीन एनिमल्स, ठीक है, आइदर सॉल्ट्री आर बोरिंग वर्म्स। यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर में कि दे लिव इन यू शेप ट्यूब्स, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है, ठीक है, और ये जो है वो कॉर्नवर्म है। तो ये जो है वो हमेशा बरू बना के रहते हैं, ठीक है, और अपने प्रोबोसिस की मदद से जो है वो उसको जो है वो करते हैं, उसमें से बरू करते हैं और उसमें से मूव करते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो साइज इनका तकरीबन 10 से 40 सेंटीमीटर है, लेकिन के कुछ जो है वो स्पीशीज अबाउट 2 मीटर भी जो है वो इतनी बड़ी है। कितनी स्पीशीज हैं? देयर आर अबाउट 70 स्पीशीज। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जी इनको हम एंटीरोन्यूस्ट क्यों कहते हैं, यहाँ पे जो इनको कॉर्नवर्म्स क्यों कहते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको शेप नजर आ रही है अकॉर्न की, ठीक है, दिस वन इज द अकॉर्न। और ये जो इसका प्रोबोसिस है, इसकी शेप जो है वो क्या है, दोनों रिसेम्बल करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज अकॉर्न वर्म्स, ठीक है। और एंटीरोन्यूस्ट हम इनको क्यों कहते हैं, एंटीरो मीन्स इंटेस्टाइन एंड न्यूस्ट मीन फॉर ब्रीदिंग, कि ये जो अपनी इंटेस्टाइन है उसी में ही छोटी छोटी सुराख हैं, दे डेट कॉल्ड एज फेरिंजियल स्लिट्स, उनकी मदद से ये सांस लेते हैं, ठीक है, इनके अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज एंटीरोन्यूस्ट। फिर बॉडी फॉर्म इनकी जो है वो, इनकी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड द ट्रंक, ठीक है। आप ये यहाँ पे देखें, दिस वन इज द प्रोबोसिस, ठीक है, और ये जो है वो ये आपको कॉलर नजर आ रहा है, और ये जो रिमेनिंग सारा पार्ट है, दिस वन इज द ट्रंक पार्ट, ठीक है। और इसी में ही अगर आप देखो तो ये आपको फ्रेंजियल पाउचेज हैं, फ्रेंजियल पोर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, दिस वे जो है वो इस तरह छोटी छोटी स्लेट्स होंगी, और इनके यहाँ पे जो है वो आपको पोर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। फिर बॉडी स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो इसी में आपको अलग अलग जो है वो डिस्क्राइब किया है हमने कि जी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, जो एंटीरियर पार्ट है मस्कुलर है और एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल मैंने स्टार्ट में बताया था कि जी इनके ट्यूब टाइप जो है वो शेप उसमें बरो करते हैं, ठीक है, बरोज बनाते हैं। तो इनका जो प्रोबोसिस होता है वो मस्कुलर होता है, ये एक्सटेंड हो सकता है आगे जो है वो बरो बना सकता है अपने जो है वो, तो ये इसीलिए बरो के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और प्लस अपनी फूड को। नेक्स्ट पार्ट इज द कॉलर, ठीक है, तो कॉलर जो है वो प्रोबोसिस से लास्ट वाला रीजन है, दिस वन, और दिस वन इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज, दिस वन, ठीक है, तो ये कार्टिलेज से जो है वो मिलके बना हुआ है। देन द लास्ट पार्ट वो ट्रंक है, और उसमें बहुत से गिल्स के पेयर्स हैं जिनको आप उसके बाहर की तरफ बहुत छोटे छोटे सुराख से ओपन होते हैं, डेट आर कॉल्ड एज फेरिंजियल पोर्स या फेरिंजियल स्लिट्स। फिर अब हम देखेंगे इसकी मेंटेनेंस फंक्शन, और ये जो फिगर है ये आपकी बुक से ली गई फिगर नंबर 17.3 है। मेंटेनेंस फंक्शंस में सबसे पहले आ जाएगा फीडिंग, तो फीडिंग में इसके जो सिलिया है और म्यूकस है वो सारे इसको हेल्प करता है। इनकी पूरी बॉडी पे जो स्टार्टिंग पार्ट है प्रोबोसिस, यहाँ पे सारे जो है वो सिलिया मौजूद हैं प्लस म्यूकस है। अब म्यूकस क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है। इनकी फूड जो है वो किस तरह की है, ये डेट्राइटस मोस्टली जो है वो उसको करते हैं, उस पर फीड करते हैं, या फिर कुछ अदर पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वो सारे पार्टिकल्स इस म्यूकस के ऊपर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। देन जो है ये फूड, आप यहाँ पे देखो ये फूड जो है वो सिलिया की मदद से, सिलियरी ट्रैक्ट्स हैं, सिलिया जैसे जैसे मूव करते हैं वो इस फूड को टूवर्ड्स द माउथ लेके जाते हैं। माउथ की तरफ लेके जाएंगे, देन जो है वो छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं माउथ से, ईसोफेगस, ईसोफेगस से देन जो है नेक्स्ट इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, और जो रिजेक्टेड हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो वाले रिजेक्टेड मटेरियल में आ जाते हैं, और वो कॉलर से होते हुए अगेन से वो डिस्कार्ड कर देंगे इनटू देयर एनवायरमेंट। देन डाइजेशन, तो डाइजेशन इनकी जो है वो सिंपल, जो इनका अगर सिस्टम देखें तो सिंपल ट्यूब टाइप है, जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, एक माउथ है और सेकंड वन इज यहाँ पे माउथ आ गया ये, ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज द एनस। इस तरह का सिस्टम जिसमें सिंगल दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब टाइप कहते हैं। और यहाँ पे जो इनकी मोस्टली जो डाइजेशन है, फीडिंग तो अभी आपने देखी कि जो फीडिंग है वो फूड पार्टिकल्स यहाँ से जो है वो पूरे माउथ में एंटर होंगे, माउथ से देन जो है वो ईसोफेगस आ गया, और ईसोफेगस के बाद ये सारा जो पार्ट है दिस वन,
ये सारा जो है वो क्या है, इंटेस्टाइनल पार्ट है, और इसमें आपको यहाँ पे इंटेस्टाइनल सैक्स नजर आ, हेपेटिक सैक्स सॉरी, ठीक है, ये जो है वो सारा गट का पार्ट है, और ये जो हेपेटिक सैक्स है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये रिलीज एंजाइम्स, ठीक है, तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं और ये फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, फूड डाइजेस्ट होगी सारी मूव करेगी टूवर्ड्स द एनस, और जब भी इसने डेफिकेट करना है यानी कि अपनी जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है तो इनका एनस जो है वो ऊपर की तरफ टर्न अप हो जाता है, ये देखो यहाँ पे ये सॉइल है और एनस ऊपर हो गया, तो यहाँ से ये ईजीली वेस्ट को बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और जब भी इनको जो है वो कहीं पे भी ये मौजूद होंगे तो इस सॉइल के ऊपर आपको इनकी फीकल मटेरियल दैट आर आल्सो कॉल्ड एज कास्टिंग्स वो आप जो है वो इसकी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनका सारा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, एक्टोडर्म से अराइज हुआ है, और इसमें आपको दो ट्रैक्ट्स नजर आते हैं, दो सॉरी नर्व कॉर्ड्स नजर आते हैं, एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इनके दरमियान में बहुत से जो है वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है दैट इज कॉल्ड एज नर्व प्लेक्सस, ठीक है, ये इसमें अगर मैं उसमें आपको ड्रॉ करके बताऊँ, दिस वन इज द डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड दिस वन इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इनके दरमियान में क्या होंगे बहुत से इस तरह का नेटवर्क होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं नर्व प्लेक्सिस कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई जॉइंट नर्व फाइबर्स नहीं है, सॉरी जॉइंट नर्व फाइबर्स हैं जो कि क्विकली रिस्पॉन्स को जो है वो एट हाई स्पीड जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, इसके अलावा इसमें कोई गैंग्लिया नहीं है, सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द बॉडी लेकिन वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है वो किसी एक चीज़ को सेंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे। रिस्पायरेशन पे आ जाए, रिस्पायरेशन जो है वो डेट इज बाई मीन्स ऑफ जितने भी उनमें गैसेस हैं, रिस्पायरेटरी वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ये सारी ही जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इसकी बॉडी से बाई एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, और रिस्पायरेशन जो है वो सिंपली उनके ही ज़्यादा जो उसमें मेन पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं वो फ्रेंजल स्लिट्स हैं, ठीक है, अब फ्रेंजल स्लिट्स आपको इस डायग्राम में ये यहाँ पर नजर आ रही हैं, दीज आर द फ्रेंजल स्लिट्स, और फ्रेंजल स्लिट्स जो हैं ये क्या करती हैं, जैसे ही पानी माउथ से एंटर होता है, ठीक है, और ये फ्रेंजल स्लिट से बाहर रिलीज हो जाता है, ये फ्रेंजल स्लिट से इस वे में यानी कि माउथ से ये आपको यहाँ पे इसमें ब्लू में भी नजर पिंक में नजर आ रहा है पिंक कलर में, ठीक है, ये वाटर मूव कर रहा है और यहाँ से वो एग्जिट कर रहा है, तो ये जो फ्रेंजल स्लिट्स हैं इस जगह पे क्या हो रही है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो क्योंकि ये यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटीरोन्यूस्ट्स। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो इसी तरह वेसल्स हैं, ठीक है, एक डॉर्सल वेसल है और एक वेंट्रल वेसल है, ठीक है, डॉर्सल वेसल यहाँ पे होगी, वेंट्रल वेसल्स इधर है, जो डॉर्सल वेसल ब्लड जो है वो इंटीरियरली इन डॉर्सल साइड जो है मूव करता है, ठीक है, इंटीरियर साइड्स पे यानी कि ब्लड जो है वो उसकी डायरेक्शन सॉरी ये इंटीरियर साइड है लेकिन जो वेंट्रल नर्व है उसमें उसकी डायरेक्शन क्या होगी ब्लड किस तरह होगी, तो एट द सेम टाइम ब्लड जो है वो इंटीरियर के साथ इधर मूव कर रहा है और वेंट्रल के साथ जो है वो इस साइड पे जो है वो मूव कर रहा होगा। इसके अलावा बहुत ही छोटी छोटी इनमें दोनों जो नर्व्स हैं सॉरी ये ब्लड वेसल्स हैं कॉन्टेक्टाइल ब्लड वेसल्स, इनमें जो है वो छोटे छोटे सुराख हैं और इन सुराख के जरिए क्या होता है ये वाला ब्लड जो है वो कहीं पे भी साइनसिस, क्योंकि इसमें तीन ही बॉडी पार्ट्स हैं और तीन ही साइनसिस खाली जगह मौजूद हैं तो वहाँ पर जो है वो ब्लड लीक होकर आ जाता है। अब अगर हम इस प्रोबोसिस की बात करें तो ये जो प्रोबोसिस में ये जो सारी खाली जगह है डेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो ये सारा ब्लड जो है वो अगर यहाँ पे इसमें ब्रांचेस मौजूद हैं डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल में तो ये सारा ब्लड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ ही से आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वो यहाँ पे प्रोसेस होगा। इसके अलावा इनका ब्लड जो है वो कलरलेस है, उसमें एसिड कोई जो है वो पिगमेंट्स मौजूद नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन अभी मैंने बताया था कि आपको कि जो ब्लड होता है वो तीन सिलोम्स में इकट्ठा हो जाता है, प्रोबोसिस वाली सिलोम में जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ट्रंक में भी सिलोम मौजूद है वहाँ पे भी और कॉलर में भी, तो जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे सारा जो है वो ब्लड अगर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ये वाले इसको डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जितनी भी जो होती है वेस्ट वगैरह होती है वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज कर देते हैं।
देन लास्ट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. सारी जो इंटीरियर न्यूस्ट्स हैं दे आर डाइशियस, मीन्स दे हैव सेपरेट सेक्सेस. और जो जितने भी गोनेड्स हैं उनका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स. यहाँ पे एक फिनोमेनन क्या है कि जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्रिएट, मीन्स कि जी दे रिलीज द गैमेट्स इनटू देयर एनवायरनमेंट और वहाँ पे जो है वो कंबाइन करते हैं और नेक्स्ट लार्वा प्रोड्यूस होता है. लार्वा जो है वो यहाँ पे इनका एक स्पेशलाइज्ड है और इसमें एक डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जी टॉर्नेरिया लार्वा है. इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है. अब ये लार्वा अगर आप इस डायग्राम में देखो, ठीक है, दिस वन इज अ टॉर्नेरिया लार्वा जो कि यहाँ पे ये डायग्राम में जो है वो शो हुआ है. ये हेमिकोडेट्स का लार्वा है टॉर्नेरिया और ये इकाइनोडर्म्स का लार्वा है. ये दोनों ही शेप में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं. ठीक है, तो दोनों में ही सिलरी बैंड्स मौजूद हैं. सिलिया आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे होंगे, दिस वन, और इसके ऊपर भी सिल्वरी बैंड्स मौजूद हैं. ठीक है, तो ये वाले इसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो एक हेमिकॉर्डेट्स हैं ये इकाइनोडर्म से जो है वो किसी तरह रिसेंबल करते हैं. यही जो है वो लार्वा ये कुछ दिनों के लिए मतलब किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है, प्लैंकटोनिक हो जाता है किसी के साथ अटैच होकर, वहाँ पे अपनी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है ये अडल्ट फॉर्म जो है वो अटेन कर लेगा. और अडल्ट फॉर्म जो है वो लाइक दिस वन होगी, जो कि हम स्टार्ट से उसकी मॉर्फोलॉजीज वगैरह सारी पढ़ चुके हैं.